आज मैंने इस वीडियो में बताया है कॉपी पेस्ट के बारे में, अपने मोबाइल के अंदर कॉपी पेस्ट आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की पता नहीं है, जो नया फोन यूजर हैं, उन्हें व्हाट्सएप के बारे में कुछ ज्यादा चीज नहीं पता है। तो कॉपी पेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत जगह काम आती है। चलिए जैसे व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप है और ये मान लीजिए आपको इसको आपके मैसेज को कॉपी करके इसको भेजना है तो कॉपी पेस्ट का यूज होगा। आपके कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में भी कॉपी पेस्ट का यूज होता है। फटाक से मैसेज में चलते हैं, ये मैसेज है और इस मैसेज में मान लीजिए कुछ भी आया और इसको मुझे कॉपी करके ना व्हाट्सएप में भेजना है उस बंदे को, किसको, तो वो मैं आगे मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप में मुझे इसको भेजना है। तो अभी क्या करेंगे, पहले मैं मैसेज में आ गए, फिर इसके ऊपर दबाए रखें, ये देखिए दबाए रखें, ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट ये ब्लू हो गया, इसका मतलब सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, ये फॉरवर्ड भी मिल गया या तो शेयर भी मिल गया। शेयर पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर स्क्रॉल करिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉपी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए कॉपी क्लिप बोर्ड मिल गया, कॉपी क्लिप बोर्ड में भी क्लिक कर सकते हैं। दो तरीका से हम इसको उसको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, एक कॉपी क्लिक करो, ये देखो क्लिप बोर्ड कॉपी हो गया। इसको अब तो यहाँ पे क्लिक करो इस मैसेज में, यहाँ तो नॉर्मल मैसेज टाइप करते ही है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दबाना है, इस टाइप मैसेज पे थोड़ा देर तक यहाँ दबाए रखिए, एक सेकेंड। ये देखिए दबाने के बाद ऑटोमेटिक आ गया पेस्ट, पेस्ट पे क्लिक करिए, इसको सेंड कर दीजिए। ये देखिए कॉपी पेस्ट सेंड हो गया। एक और तरीका था इस मैसेज को भेजने का, यहाँ पे क्लिक करो, देखो इसको मुझे भेजना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, लेकिन मुझे इसको भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करो, हाँ सिलेक्ट हो गया, फिर इसी के ऊपर क्लिक करो, फिर शेयर पे क्लिक कर दो, ऊपर में देखो शेयर आ गया ना, शेयर पे क्लिक कर दीजिए, फिर उसी व्हाट्सएप पर क्लिक करिए। अब ये मेरा व्हाट्सएप था, इसको भेजना है, अब इसको सिलेक्ट मैंने कर दिया, सिलेक्ट, फिर यहाँ पे सेंड कर दो, हो गया सेंड। इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। अब एक चीज और, कॉपी पेस्ट किसको बोलते हैं, मुझे इस मैसेज को कॉपी करना है तो ये मैं थोड़ा देर मैंने दबाए रखा और ये इसको कॉपी करना है, तो ये देखो कॉपी का सिंबल है, इस पे क्लिक कर दो, ये कॉपी हो गया। फिर इसी मैसेज को मुझे किसी और को भेजना है तो दूसरे के कॉन्टेक्ट में जाएंगे, ये देखिए ये मैं गया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट में कर दूंगा, इस पे दबाए रखो थोड़ा देर, ये देखो पेस्ट आ गया, अब पेस्ट पे क्लिक कर दो और सेंड कर दो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं और कॉपी पेस्ट का यूज कैसे होता है। एक और तरीका होता है, जैसे कि दोस्तों आपने इंटरनेट खोला है, आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे आपको ये चीज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ गई, तो बस थोड़ा सा इसको दबाए रखो, ये मुझे कॉपी करना है। एक तो स्क्रीनशॉट होता है, ये स्क्रीनशॉट तो होता ही है, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट की बात कर रहा हूँ। इसको दबाए रखो और इसको नीचे कर दो, जहां तक नीचे करोगे वहां तक सिलेक्ट होगा, ठीक है, मुझे ये लिखा हुआ ही चाहिए बस यहीं तक। तो ये कॉपी मिल गया, कॉपी करो, फिर यहाँ आ जाओ, फिर व्हाट्सएप में किसी को भेजना है पेस्ट कर दो, हो गया सेंड। कितना आसान है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट का यूज सबके लिए जरूरी है। आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब बटन दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये दोस्तों बेसिक ट्रिक है और ये चीज़ें मैं बस नए नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कर दें, जिनको ज़रूरत पड़े आपके फैमिली में उनको भी भेज दीजिए ये वीडियो, ताकि उनकी मदद हो पाए। थैंक यू, बाय।